हिम्मत होगी बोलने की, हिम्मत होगी बोलने की, विद यू तो डेफिनेटली और दम है। भाई अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन के रवैये से हर कोई बखूबी वाकिफ है। जया बच्चन कभी भी किसी पर गुस्सा कर सकती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जया बच्चन किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं, जिसकी वजह से कई बार जया बच्चन को भयंकर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। जया बच्चन ने नाते नव्य नवेली के पॉडकास्ट शो में ट्रोल्स को करारी फटकार लगाई है। जया बच्चन का कहना है कि ये लोग बहुत ही खराब तरीके से मीम्स में मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। जया ने यूजर्स से कहा है कि दम है तो उनके सामने आकर बोलो और अपनी शक्ल भी दिखाओ। ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन का गुस्सा इस तरीके से फूटा हो। कई बार अपने रवैये को लेकर, अपने गुस्से की वजह से मीडिया को फटकार लगाने को लेकर उनके जब जब वीडियो वायरल हुए, लोगों ने उनके बारे में काफी अनाप शनाप बातें सोशल मीडिया पर कही। जया बच्चन एक बार फिर से खबरों में है और इसकी वजह है उनकी नातिन नव्या नवेली का पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या। इस सीजन के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें नव्या नवेली नानी जया बच्चन और मॉम श्वेता के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों के अलावा ट्रोलिंग पर बात करती भी नजर आई। नव्या ने नानी से नेगेटिव कमेंट्स को लेकर सवाल पूछा, किस तरह से लोग किसी के सोशल मीडिया पोस्ट पर अनाप शनाप लिख देते हैं और सबसे ज्यादा व्यूज और कमेंट्स भी उन्हीं पर आते हैं। इसके बाद जया ने ट्रोल करने वालों को बुरी तरह से लताड़ा और कहा, अगर हिम्मत है तो उनके सामने आकर बोलो। व्हाट द हेल नव्या 2 के नए एपिसोड के प्रोमो में नव्या नवेली नानी से सोशल मीडिया पर जब नेगेटिव कमेंट्स के बारे में पूछती हैं तो उनका कहना है कि पॉजिटिव तरीके से भी कमेंट किया जा सकता है। यही वजह है कि एक बार फिर से जया बच्चन जो है वो ट्रोल्स के निशाने पर है। जया बच्चन इस पॉडकास्ट में कहती नजर आई है कि अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव भी करिए ना, लेकिन नहीं, अपना फैसला सुना दिया आपने। ये सुनकर नव्या कहती है कि अगर उन लोगों को आपके सामने बैठा दिया जाए तो वो बोल नहीं पाएंगे ना। तब जया बच्चन का कहना है कि कैसे बोलेंगे, हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। नव्या भी नानी के इस स्टेटमेंट पर काफी जोर से हंसती हैं और बोलती हैं कि हाँ, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।